हमीरपुर में गौ सेवा करना बना चर्चा का केंद्र। हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर कस्बे में गाय को मां की तरह मानना और सेवा करना चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि कुलदीप शुक्ला ने बताया कि कुछ समय पहले एक गाय पाली थी जो अन्ना गौवंश के तरीके उनके घर पर रोजाना रोटी खाने आया करती थी। तभी कुलदीप शुक्ला ने अन्ना समझ कर अपने घर में खूंटे से बांध ली और अपने परिवार के सदस्य के तरीके मानने लगे और अपनी माँ के समान प्यार देने लगे। साथ ही उनका कहना है कि नहाने के बाद गाय को माँ मानते हुए उनकी पूजा आरती करते हैं और खाना खिलाते हैं, फिर बाद में खुद खाना खाते हैं। इसी प्रकार टेढ़ा गांव में डॉक्टर ए के श्रीवास्तव ने पूर्व के 17 साल से एक अंधी गाय को अपने घर में रखे हुए हैं और दुधारू गाय भैंस जैसी सेवा करते हैं, जिसका आजकल बड़ा रखरखाव उन्हें करना पड़ता है क्योंकि गाय वृद्ध हो चुकी है। खिलाई पिलाई अच्छी होने के कारण एवं समय समय पर दवा इलाज होते रहने के कारण वह आज भी जिंदा है, जबकि यह गाय सिर्फ सेवा भाव के लिए रखे हुए हैं। कभी इसके बच्चे पैदा नहीं हुए, ना ही दूध मिलने की उम्मीद रही, परंतु पशुपालक गौ सेवा करने के उद्देश्य से ब्लाइंड गाय को आज भी अपने घर में रख कर के पूरा परिवार उसकी सेवा करता है। परिवार वालों का मानना है कि इस गाय की सेवा करने से हमारा परिवार रोग मुक्त एवं खुशहाल है। सर आपका नाम? कुलदीप शुक्ला। कहाँ के निवास सर? भरुआ सुमेर। अच्छा सर, जिस तरीके से हमने देखी यहाँ पर आपने एक गाय पाल रखी है और उसकी आपने जो है उत्तम व्यवस्था की हुई है, तो इस पे बताएं आप। ये गाय मेरे दरवाजे अक्सर आ जाया करती थी, इसके कान में बिल्ला लगा हुआ था, अन्ना जानवर की श्रेणी में आता। मुझे लगा कि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में एक गाय होना आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना। इसको ध्यान में रखते हुए इस गाय को मैंने आज से 2 वर्ष पूर्व, जब ये 1.5 साल की थी, तब मैंने इसको बांध दिया और तब से मैं निरंतर इसकी सेवा कर रहा हूँ। और मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर रहा हूँ कि इस गाय की सेवा से मुझे जो आत्मिक सुख मिल रहा है वो मैंने अपने जीवन में इसके पूर्व कभी नहीं पाया। जिस तरीके से हमने देखा यहाँ पे आपने ऑल आउट की व्यवस्था की हुई है और वो बराबर यहाँ पे कूलर भी चल रहा है, तो एक तरीके से इंसान की जैसी आप सेवा कर रहे हैं। जानवर क्या इंसान नहीं होता है? केवल मुंह से बोल नहीं सकता है, बकाया सभी कुछ समझता है, प्यार समझता है, नफरत समझता है। और अगर हम उसको प्यार देंगे तो वो हमको प्यार देगा, अगर हम उसको नफरत देंगे तो नफरत देगा। आज आप देख रहे हैं कि मैं गाय के किसी भी जगह पर जा करके बैठ जाऊँ लेकिन गाय अपनी जगह से हिल नहीं सकती, उसको विश्वास है मेरे ऊपर, मेरे प्यार पर, तब वो मुझको सुनाई देगा।